दोस्तों, गैस्केट जो गाड़ियां हैं उसके अंदर आपने इस टाइप की कोई चीज़ ज़रूर देखी होगी। अगर आपके पास में कार है और उसमें गैस्केट लगी हुई है, तो आखिर ये होती क्या है और क्या होता है इसके अंदर। तो दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्ट और मॉडल के एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गैस्केट में लगने वाला ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसका क्या नाम है और ये किस काम आता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको निकालते हैं और फिर चेक करेंगे इसके अंदर क्या है। तो भाई, थोड़ी देर की मशक्कत के बाद में हमने अभी तक मैंने आपको नाम नहीं बताया, लेकिन थोड़ी देर की मशक्कत के बाद में विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स फाइनली इसको कार से निकाल लिया गया है। अब आइए ज़रा इसका एक मैकेनिकल पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। तो गाइस, हम अभी हैं अपनी छोटी सी वर्कशॉप में और ये है हमारे पास में वो चीज़ जिसका कि नाम अभी तक तो हमने बताया नहीं है, लेकिन ये कार की गैस्केट में यूज़ होती है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले थे कि इसके अंदर के होता क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका नाम बता देता हूँ। ये है गैस वेपोराइज़र, जो कि गैस्केट में लगा होता है। और ये जो आप दो पाइप देख रहे हैं, ये इनमें से एक इनटेक है और एक आउटलेट है। और उसके अलावा इसमें कई सारे जो रेगुलेटर हैं वो दिए हुए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक ही रेगुलेटर दिया हुआ है और भी इसमें बहुत सारे वाल्व दिए हुए हैं, जैसे कि ये भी एक दिया हुआ है। ये लिक्विड गैस इनलेट है ये मेरे हिसाब से, तो ये वो दिया हुआ है। और ये इसकी मेन हाउसिंग है। तो आइए सबसे पहले इस वाले नट को खोलते हैं, बोल्ट को खोलते हैं और इसको अलग करते हैं ताकि इसको आसानी से खोला जा सके। फिर उसके बाद में हमें यहाँ पर एलंकी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे पास में वो टूल बॉक्स है, उसमें इसके नाप की एलंकी हमें मिल जाएगी। तो आइए सबसे पहले इसको खोलते हैं। तो ये हमने इसका जो एक जैक था जिससे कि ये लगा हुआ था, कार की बॉडी से फिक्स था, इसको हमने अलग कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो वेल्डेड है, ये इसकी हाउसिंग में ही फिट है, तो इसको खोल नहीं पाएंगे हम। अब उसके बाद में इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। तो ये जो है, ये मेरे हिसाब से ये जो था, ये लिक्विड गैस इनटेक सप्लाई थी। इसके अंदर देखें हम क्या दिख रहा है। इसके अंदर ऐसा कुछ हमें खास दिखाई नहीं दे रहा है। अब आइए इस वाले हिस्से को खोलते हैं। तो इसके लिए हमें एक स्टार स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे पास में है। ये लग जाएगा। जी, इस तरफ भी है एक, तो खोल लेते हैं। तो ये देखिए, इसमें भी अंदर कुछ नहीं है, बस ये कि वॉल्व टाइप का इसमें दिया हुआ है, जिससे कि जब हम इसको घुमाते हैं तो गैस का जो अमाउंट है वो कम ज़्यादा होता है। तो कुल मिला के एक वॉल्व है, इसको भी हम रख देते हैं एक तरफ। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमें ऐसा कोई ख़ास चीज़ तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी हम इसको खोलेंगे। कुत्ते शांत हो गए हैं, इसलिए हम अपना काम कर सकते हैं। ये हमारे पास में एक एलंकी बिट है, इस बिट के द्वारा हम इन सब को खोलेंगे। घूम रहा है, बहुत घूम रहा है। मैं एक हाथ से इसको घुमाऊं या फिर इसको पकड़ूं, क्वाइट टफ, लेट्स सी। तो गाइस, सॉल्यूशन मिल गया है। सॉल्यूशन ये है कि हम हाथ की बजाय इस ड्रिल का यूज़ कर सकते हैं। फाइनली गाइस, आई गॉट ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है।
तो इसके अंदर कुछ नहीं है, एक पेपर का टुकड़ा लगा हुआ है जो कि आगे पीछे शायद होता है। इसमें एक बार में कुछ गैस पंप होती होगी, इसको भी निकाल देते हैं हम सावधानी से। ठीक है, ये हमने निकाल दिया है। ठीक है, इसके अंदर क्या है ये देखना पड़ेगा अपने को, और ये निकल सकता है नहीं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये शायद, इसको मैं देखता हूँ, उसके जरा निकालने की कोशिश करता हूँ। तो भाई इसको हमने खोल लिया है, जूम की प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये जो था ये बेसिकली अंदर से इस तरीके का था, जिसको कि हमने नीचे की तरफ दबाया और ये जो है खुल गया। एनीवेज, फिलहाल आप इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से जो गैस चैम्बर था वो भी वैसा का वैसा ही है, मतलब गैस इसमें सीधे आती थी और यहाँ से पंप होती थी इस तरीके से कुछ। ये एक तरीके से जैसा स्पीकर में स्पाइडर दिया होता है जो कि जिससे कि वाइब्रेशन होता है, वो चीज़ करता था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जैसे अंदर आएगा, मतलब जैसे कहने का मतलब है कि जैसे इंजन गैस खींचेगा तो ये जो है अंदर की तरफ जाएगा और यहाँ से गैस रिलीज़ होगी। ये एक उसका रेगुलेटर था और यहाँ से जो है गैस बनती थी, लिक्विड गैस इंटेक जो था वो इस तरफ था। यहाँ पर मतलब जो लिक्विड गैस है वो, ये जो लिक्विड गैस इंटेक था वो ये वॉल्व है, मतलब लिक्विड गैस जो है इसके पीछे की तरफ आती थी। तो ये एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट किस काम में आती है ये नहीं पता हमें। ठीक है, शायद ये यहाँ लगती थी, हाँ ये यहाँ लगी हुई थी। इसको वापस हम लगाते हैं, उसको खोलेंगे, राइट। तो पहले हम इसको खोलते हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो इस वाले को खोलेंगे। पहले देखते हैं इसमें क्या है। तो गाइस ये जो है ये एक स्पाइडर थी, एक और इसमें नीचे की तरफ स्प्रिंग लगी हुई थी। इसको निकालने के बाद में हमारे जो गैस वेपराइज़र है उसके अंदर कुछ खास चीज़ें नहीं है। यहाँ से ये पार्टीशन है और इसमें आपको कुछ छेद दिए हुए हैं, जिससे कि ऑब्वियसली ये एक छेद दिया हुआ है और इस छेद से जो लिक्विड गैस है उसका प्रेशर कम होता था और ये यहाँ पर शायद लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती थी। यहाँ पर अभी एक वॉल्व भी दिया हुआ है जो कि गैस को रिलीज़ करता था। भाई इस वॉल्व को खोलते हैं। तो गाइस उस तरफ का मैकेनिकल पोस्टमार्टम ऑलमोस्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसमें इस तरफ कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब आइए इसको इस तरफ से खोलते हैं कि इसमें यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर वही हमें बहुत सारे लिंक वाले नट दिख रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसको उनको खोलते हैं। तो इस तरफ के भी सारे बोल्ट हमने खोल लिए हैं, उनको जल्दी से हम निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं इसके अंदर क्या है। देर लग रही है तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो गाइस कुल मिला के ये हमारा जो आइडल साइड था वो भी हम निकाल चुके हैं। अब देख सकते हैं इसके अंदर एक बड़ा सा स्प्रिंग लगा हुआ है और इसके अंदर भी कुछ तो है। इसको भी हम खोल के देखेंगे। यहाँ से रबर की पैकिंग है, इसको यहाँ से हम निकाल देते हैं। ठीक है, ये हमने इसको निकाल दिया है। ठीक है, और अब इसके अंदर ये इस तरीके का वही मैकेनिज्म जो इस तरफ दिया हुआ था, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रांग है, थोड़ा सा तेज़ है। और यहाँ पर भी इसमें दिया हुआ है
सेम मैकेनिज्म जो यहाँ पर दिया हुआ था गैस को, एक बार इसको भी खोल के देख ही लेते हैं कि आखिर ये है क्या। कुत्ते मेरे इधर बहुत भूखते हैं, कुत्तों को तो मैं क्या बताऊँ। बस फाइनली हम लोग इसको खोल चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेन गैस इंटेक है, यहाँ से गैस आती है, इस चैम्बर के थ्रू जाती है, इसके थ्रू निकलती है और फिर ये जो गैस है ये एक वॉल्व में जाती है और वहाँ से यहाँ पर ये जो दो इंटेक दिए हुए हैं उससे इस वाले चैम्बर में आती है और यहाँ से वो जो गैस है वो पीछे की तरफ, जो यहाँ पर एक छेद दिया हुआ था, किस तरफ दिया हुआ है, ये जो एक छेद इस तरफ दिया हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो छेद दिया हुआ था इस छेद में, यहाँ से जब निकलती है वेपोरेट होके तो पीछे की तरफ जाती है और पीछे से फिर इंजन को चली जाती है। तो इस तरीके से हमारा जो गैस वेपोरेटर है वो काम करता है। उम्मीद है आप, खैर किसी भी चीज़ को बर्बाद करने के बाद मैं उम्मीद तो मैं नहीं करूँगा कि आपको मज़ा आया होगा, लेकिन हाँ अगर इसके इंटीरियर और इसके अंदर क्या होता है बेसिकली ये जानने की जिज्ञासा मेरे अंदर भी थी, इसलिए मैंने आज इसको खोल दिया, क्योंकि मेरी गाड़ी में गैस किट पहले लगी थी, अब नहीं है और ये उसमें बेकार में लटका हुआ था, तो मैंने सोचा कि 2 किलो वज़न कम कर दूँ तो हो सकता है थोड़ा सा माइलेज भी बढ़ जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। एक बार और इसको डिटेल में दिखा देता हूँ क्या क्या सामान निकला। तो गाइस एक बार और देख लेते हैं, ये सारा सामान इस अंदर से निकला है, ये इसका ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा। उसके बाद में हमने ये कवर खोला था, ये वाला कवर खोला था जिसमें से हमें ये चीज़ें निकली थी। ये अगेन एक पेपर है और पेपर के साथ में ये कुछ स्पाइडर जैसा, जिससे कि स्पीकर में पाया जाता है वैसा निकला था। ये उसका वॉल्व, ये उसका रेगुलेटर और ये पाइप था, लिक्विड गैस पाइप इंटेक, और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें निकली। कुल मिला के बहुत सारे काम की चीज़ें इसमें निकली हैं, जो कि नट वगैरह आपके बहुत काम आ सकते हैं अगर ये चीज़ आपके काम की नहीं है, वैसे आप चाहें तो इसको वापस से भी फिक्स कर सकते हैं। एनीवेज अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस।